अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि किस तरह से आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं और कौन कौन से क्राइटेरियाज होने चाहिए एक जॉब को सिलेक्ट करने में या उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए एज अ न्यूबी। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि जब आपने जॉब सिलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद क्या स्टेप होने वाले हैं, किस तरह से आप प्रपोजल राइट करेंगे और किस तरह से आप प्रपोजल सेंड करेंगे, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, इसके बारे में मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको करें। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और अभी के लिए मैं दोबारा से इधर चला जाता हूँ प्रोजेक्ट्स के ऊपर और यहाँ से कोई सूटेबल प्रोजेक्ट्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्रिएट अ ब्यूटीफुल आई कैचिंग लोगो, तो ये लोगों की वो है जॉब्स हैं, यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन होना चाहिए वेबसाइट डिज़ाइन फॉर साइबर सिक्योरिटी इवेंट 270 £. तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ कि इसको क्या चाहिए। नीड अ वेबसाइट डिज़ाइनर फॉर साइबर सिक्योरिटी इवेंट, वी विल इंक्लूड द फॉलोइंग: मेन प्रमोशन पेज, स्पीकर प्रोफाइल पेज, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पोस्ट रजिस्ट्रेशन पेज, प्रीवियस इवेंट आर्काइव्स, लोकेशन इवेंट प्रोग्राम, लिस्ट ऑफ द होटल्स दैट कैन बी बुक्ड, प्राइवेसी, कॉन्टैक्ट अस, स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट पेज एंड वॉलंटियर। ये उसने बेसिकली पेजेस बताए हैं जो कि उसको वो वेबसाइट के अंदर चाह रहा है, ठीक है। और उसने कुछ एग्जांपल वेबसाइट्स दी हैं, राइट। इन एग्जांपल वेबसाइट्स को हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। देखें, कोई भी जगह पे आप प्रपोजल सेंड करने से पहले आपने अच्छे तरीके से उस जॉब को अंडरस्टैंड करना है और क्लाइंट की नीड को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद ही प्रपोजल राइट करने पे फोकस करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके पास बनी बनाई टेम्पलेट शो होती हैं और उनको वो बस कॉपी पेस्ट कर देते हैं सब तरह की जॉब्स के लिए। तो ऐसा नहीं करना, टेम्पलेट हमने भी बनाई है लेकिन उसको हमने कस्टमाइज़ करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह की ये एक वेबसाइट है जो कि नॉर्मल सी ही वेबसाइट है, ये थोड़ी सी प्रोफेशनल वेबसाइट लग रही है, ये भी काफ़ी बड़ी और अच्छी वेबसाइट है, राइट। तो चलें इसको अब प्रपोजल राइट करते हैं। हमें इसकी रिक्वायरमेंट समझ आ चुकी हैं और इसको अब हम प्रपोजल राइट करते हैं। तो प्रपोजल राइट करने से पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक प्रपोजल को राइट करने पे। तो बेसिकली आपको 5-स्टेप फार्मूला यूज़ करना है कि किस तरह से आप अपने पूरे प्रपोजल को 5 स्टेप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि आप क्लाइंट को ये बताते हो कि क्लाइंट को क्या रिक्वायर्ड है और हम उसको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। दूसरे स्टेप के अंदर आप ये बता देते हो, आप कोई कॉल टू एक्शन ऐड कर देते हो, और तीसरे स्टेप में आप अपना पोर्टफोलियो शो करवाते हो, फोर्थ स्टेप में आप क्या करते हो एंडिंग लाइन्स बताते हो या पोर्टफोलियो का कोई और हिस्सा ऐड करते हो, और लास्ट में फिर एंडिंग और रिकार्ड्स होता है, राइट। आपको प्रपोजल इतना कोई लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है और रैंडम प्रपोजल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोटा कंसाइज लेकिन टू द पॉइंट प्रपोजल लिखना है। क्लाइंट के पास बहुत सारी रिक्वेस्ट जाती हैं, सिर्फ आप एक अकेले इंसान नहीं होते जो उस जॉब के ऊपर अप्लाई करते हो, तो इसका मतलब यह है कि क्लाइंट के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो इस जॉब पे ऑलरेडी 21+ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, राइट। तो हमें भी अप्लाई करना है लेकिन हमारा प्रपोजल ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट अट्रैक्ट हो। तो अब यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट सेट की हुई है। देखिए, यहाँ पे हमने इनिशियल प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स लिखनी है और बताना है कि क्लाइंट को क्या हम उसे क्या दे सकते हैं और उसकी क्या डिमांड्स हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने कॉल टू एक्शन दिया है, फिर यहाँ पे मैं अपने जो है पोर्टफोलियोज़ वो ऐड करूँगा, और यहाँ पे अपने पोर्टफोलियोज़ के लिंक ऐड करने हैं। मिनिमम आपने 5 लिंक्स ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, कम कर सकते हैं लेकिन कोशिश करेंगे 5 ही ऐड करने, राइट। यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो लिंक्स ऐड नहीं किए हुए क्योंकि पोर्टफोलियो लिंक्स फिर कॉपी हो जाते हैं और हर जगह पे यूज़ होते हैं, तो दैट इज़ वाई मैंने वो रिमूव कर दिए। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैंने एक और अपना जो पोर्टफोलियो प्रपोजल है प्रपोजल के अंदर वो ऐड कर दिया अपनी वेबसाइट का, और यहाँ पे फिर मेरे एंडिंग वर्ड्स हैं। लेकिन ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जो चीज़ मैं खुद यूज़ करता हूँ मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बहुत सारे लोग ये नहीं करते और आपको इधर उधर की बातें सुना देते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और मुझे उनसे रिजल्ट मिलते हैं। तो चलें इसको कॉपी करते हैं, राइट। कॉपी किया हमने यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। और इसको मैं अब थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा कुछ इस तरह से, यहाँ से मुझे इसको ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रपोजल है। अब इन जगहों पे मुझे अपने जॉब डिस्क्राइब करनी है। तो यहाँ पे देखिए नीट वेबसाइट इज फॉर साइबर सिक्योरिटी इवेंट, ठीक है, इस तरह की वेबसाइट चाहिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हेलो, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई कैन हैंडल यूर आई कैन डिज़ाइन यूर
वेबसाइट फॉर साइबर सिक्योरिटी इवेंट दैट विल बी रिस्पॉन्सिव फास्ट लोडिंग एंड मॉडर्न अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टैंडर्ड्स, राइट। इस तरह से मैंने लिखा, तो ये मैंने उसको बता दिया कि उसको क्या चीज़ चाहिए और किस तरह से वो सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सिर्फ एक से दो लाइनों के अंदर मैंने बता दिया कि उस क्लाइंट को क्या चाहिए। अब यहाँ पे मैं उसे बताऊँगा कि मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट के रिलेवेंट। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ऐड कर देता हूँ। लेट्स से डिज़ाइन इवेंट साइबर सिक्योरिटी इवेंट वेबसाइट विल बी फास्ट लोडिंग, बल्कि ये सारी चीज़ें हमने क्या कर दी हैं, ऊपर ही मेंशन कर दी हैं। यहाँ पे कुछ और मेंशन कर सकते हैं हम, जैसे वेबसाइट विल बी SEO ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है, और इसी तरह से आई विल प्रोवाइड अनलिमिटेड रिविजन्स टिल योर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। कुछ इस तरह के पॉइंट्स आपने लिखने, बट मेक श्योर कि वो प्रोजेक्ट्स के रेलिवेंट ही हो। अब यहाँ पे क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल थी नहीं प्रोजेक्ट की, तो मुझे ये इस तरह की कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ रही हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उन्हीं जो प्रोजेक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन उसी में से एक पॉइंट निकालने और उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे जिस मैं आपको लेआउट समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने इस टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करना है, हर प्रोजेक्ट की एक डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट और क्लाइंट की मेंटेलिटी डिफरेंट होती है। तो आपने अपने प्रपोजल को इसको अंडरस्टैंड करने के बाद ही डिज़ाइन करना और उसके बाद सेंड करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये प्रपोजल यहाँ पे है और यहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो लिंक्स ऐड कर सकता हूँ। राइट नाउ मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो लिंक्स नहीं ऐड कर रहा, मैं जस्ट जो मेरा ये वाला पोर्टफोलियो इसी को शो कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो लिंक्स लगाता हूँ, राइट। और यहाँ पे देखिए मैंने फिर एंडिंग वर्ड्स मेरी टेम्पलेट मैंने उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया इस तरह से अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रपोजल। और यहाँ पे मैंने जो भी क्लाइंट का टाइटल था, जो वेबसाइट या प्रोजेक्ट का टाइटल था, वो ऐड किया। और यहाँ पे मैंने अमाउंट बता दी, क्लाइंट की अमाउंट थी 2070, तो मैं इतनी ही अमाउंट ऐड कर दूँगा। और यहाँ पे मैं 207 ही ऐड करूँगा, राइट। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेंड एंड फीचर। सेंड का मतलब ये है कि सिर्फ आप सेंड कर दें, और सेंड एंड फीचर का मतलब ये है कि सेंड हो जाए और उसके बाद इसको फीचर कर दें। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, जिससे हमारे जो प्रपोजल है क्लाइंट को सबसे टॉप पे नज़र आएगा, राइट, जिससे उसकी और हमारी कम्युनिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। और कम्युनिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस है तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रोजेक्ट मिलने के ज़्यादा चांसेस है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, समटाइम बेनिफिशियल होता है अगर प्रोजेक्ट अच्छा है और आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं। बट नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि इसी को ही यूज़ करता हूँ। तो आप लोगों ने इसी को ही यूज़ कर लेना और यहाँ पे इसको चेक कर देना कि अगर ये प्रोजेक्ट किसी और को मिल जाए तो मुझे बता दे, ताकि मैं इसके वेट ना करूँ इस क्लाइंट का। तो सिंपल इसको सेंड कर देना। हमने सेंड जैसे ही किया तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये हमारा जो प्रपोजल है वो सेंड हो गया। और यहाँ पे देखें फिर कह रहे हैं कि फीचर कर लें, लेकिन मैं इसको स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद मेरा जो प्रपोजल है वो क्लाइंट को चला गया, राइट। अब जब क्लाइंट इसको देखेगा और तो वो मुझे वापस मैसेज कर सकता है। अब जैसे ही मैंने ये प्रपोजल सेंड किया और मैं डैशबोर्ड में गया, तो यहाँ से देखें मेरा जो एक प्रपोजल क्रेडिट है वो एक कम हो चुका है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, ऐड अप करना है। तो ये डिस्क्रिप्शन थी, सॉरी ये हमारे पास प्रपोजल था, प्रपोजल का लेआउट था। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से प्रपोजल का लेआउट होता है और उसको हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द जॉब। आपने जॉब पहले अच्छे से समझनी और उसके बाद ही इसको कस्टमाइज़ करना, और इसमें नेसेसरी पॉइंट्स कुछ इसी तरह से, इसी स्टाइल से और इसी डिज़ाइन से आपने ऐड करना है, ताकि आपका प्रपोजल जब क्लाइंट के पास जाए
तो वो एक अच्छे तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड और क्लीन नज़र आए और बहुत ही ज़्यादा कंसाइज हो, इतना ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि क्लाइंट के पास बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, अब वो आपके ही प्रपोजल तो पढ़ने नहीं बैठेगा। तो जस्ट ऐसी चीज़ को यूज़ करें या इस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाएं कि ईजिली उसको समझ आ सके कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और वो ईजिली आपका प्रपोजल को विद इन 1 to 2 मिनट के अंदर स्कैन करके बता सके कि आपको उसके लिए परफेक्ट हो या नहीं हो, राइट। तो इस तरह से कुछ प्रपोजल की जो टर्म्स हैं या प्रपोजल की जो ट्रिक्स हैं वो हैं। तो इसके अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है या आपको ये वाला सैम्पल प्रपोजल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आपको ये प्रपोजल सेंड कर दूँगा एग्जैक्टली लाइक दैट। आप इसको क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर जॉब। तो आई होप आपको समझ आई होगी। किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Till then, keep learning, keep exploring. Love.